हाँ टिकट मैडम खड़ी क्यों हो, पीछे जाओ, पीछे जगह है, पीछे जाओ, चलो कहाँ जाना भाई। क्या हुआ मैम, कुछ परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं। इधर पीछे मैडम आपका टिकट। क्या बात है मैडम, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आप सबका दिमाग खराब है क्या? कोई तबीयत के बारे में पूछता है, कोई परेशानी के बारे में? सबको बस में मैं ही दिखती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आप सबकी? भाई हम तो इंसानियत के नाते पूछ रहे थे, जैसी आपकी मर्जी। अजीब लड़की है। इधर पीछे मैडम आपका टिकट हो गया आपका। इधर अगला स्टॉप कौन सा है? कठपुतली। अरे बस रुको, बस रुको, मुझे उतरना है। अरे फिर बैठी से, फिर पकड़ो उसे, बैठी बैठी का। अरे भाई साहब ऐसे तो पुलिस के हवाले कर दो, चाकू लेके घूम रहा है, मारना है किस लड़की को? बकवास कर रहे हो तुम लोग। बकवास है ये, है वो लड़की का है जिसका ये सामान था। वो लड़की किधर गई? कहाँ गई वो लड़की? अरे अभी तो यहीं पर थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? जेब भी काटता है और लोगों का खून भी करता है। नहीं साहब। तो फिर ये चाकू लेके क्यों घूम रहा था? शेव करता है इससे, है? नहीं साहब। तूने और लड़की ने मिलके किसी का खून किया है और जब लोगों ने देख लिया बैग में खून है तो ड्रामा कर रहा है। मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इन लोगों ने देखा है तुझे? हाँ सर, ये आदमी उस लड़की के साथ बैठा हुआ था। साथ में बैठा था ना? जी। अब बोल, अब बोल। ओ, मुझे लगा साहब उसके बैग में बहुत पैसे हैं, इस वास्ते मैं उसके चक्कर में लगा था साहब। मुझे कैसे लगा उसके बैग में पैसे हैं, कैसे मालूम हुआ? वो साहब ऑटो वाले को पैसा दे रही थी साहब, तो मैंने झाड़ी किया, 100 के नोट की गड्डी देखी, मेरे को क्या मालूम साहब वो खून करके भागी है। चुप। एक बात बताओ। जी सर। ये लड़की का हुलिया कैसा था? सर 17-18 साल की लड़की थी वो, दिखने में बहुत भोली थी। हाँ सर, वो बहुत डरी हुई थी। हाँ सर। डरी हुई थी? जी। जाना कहाँ था उसे? पता नहीं सर, मगर जैसे ही कंडक्टर ने कोटपुतली जगह का नाम लिया तो वो और ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जी। कोटपुतली का नाम सुन के और डर गई, क्यों? पता नहीं सर, ये तो वो लड़की ही जाने। सर बैग में से कैमरा मिला है सर, शायद इससे लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। कोई आइडेंटिफिकेशन मिला लड़की का? नहीं सर। इसमें तो काफी लड़कियों की फोटोग्राफ है, जरा देखो। सर इनमें है क्या वो लड़की? सर ये है वो लड़की। ये जी जी, ये वाली। उसकी ड्रेस पे तो स्कूल का लोगो बना हुआ है। विवेक जरा देखो इस फोटोग्राफ को, जरा कंप्यूटर में ट्रांसफर करो, जूम करके देखो स्कूल का क्या नाम है। यस सर। साहब मैं जाऊं ना? साहब हाँ तुम तो जाओ। रेडी, इनको ससुराल लेके जाओ, अरेस्ट करो इसे, पेपर बनाओ, लेके जाओ इसे। अरे साहब ऐसा मत करो साहब, साहब आजकल कभी पॉकेट नहीं मारेगा साहब, चलो कभी चाकू को हाथ नहीं लगाएगा साहब, साहब छोड़ो। सर अभी मिलो। ये सर सन वैली हाई, सन वैली हाई। ये लड़की आपके स्कूल में पढ़ती है? जी हाँ। मगर सर हुआ क्या है? ऐसा लगता है कि इस लड़की ने किसी का खून कर दिया है। What? इस बात का शौक तो हमें भी लगा है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ शक है। सर ये लड़की 2 दिन से गायब है। क्या?
दो दिन से गायब है, फिर तो कुछ ना कुछ। क्या नाम क्या है इसका? जानवी, 12वीं में पढ़ती थी। जानवी कहाँ से गायब हुई थी? हमारे हॉस्टल में से। आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गायब होने की? नहीं सर। दो दिन से लड़की गायब है और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? सर हम लोग इधर तो भाग दौड़ कर रहे हैं, शायद कहीं मिल जाए। और वो लड़की अकेली गायब नहीं हुई है सर। डोंट टेल मी कि कोई और भी गायब है। सर उसके साथ एक लड़की और गायब है। और कौन लड़की है इसके साथ? वन्या नाम है उसका, और वो दोनों साथ में हॉस्टल में रहती थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो हमारी बदनामी हो जाती, इसलिए सर हम लोग खुद ही ढूंढ रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। दो दो लड़कियां गायब हैं स्कूल से, और आपको सिर्फ अपने बदनामी की पड़ी हुई? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको ढूंढने की, मगर उन दोनों के मोबाइल ऑफ है सर। इनके परिवार वालों को बताया आपने? नो सर। देखा, आप कह रहे हैं कि दो दो लड़कियां गायब हैं, लेकिन लोगों ने सिर्फ जानवी को देखा है, सिर्फ जानवी को। तो ये दूसरी लड़की कहां गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी ने ही वन्या का खून किया हो? हो सकता है, हो सकता है। ये वन्या की कौन फोटो है आपके पास? सर जानवी के साथ जो दूसरी लड़की है फोटो में, वही वन्या है। आखिरी बार कब देखा था इन दोनों को? ये दोनों एक ही क्लास की थी, पूरा क्लास इनका पंचगी नहीं जा रहा था। सब लड़कियां चढ़ गई बस में, मगर ये दोनों नहीं चढ़ी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों के घर वालों को खबर कीजिए, और वन्या के क्लास में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं सबको बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। सर मेरे ख्याल से यही वो जगह है, और वो बस वहां पर रुकी थी, वहां पे। और यहाँ, हाँ यहाँ मैं उस चोर को पकड़ा था जो उस लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था, और फिर वो लड़की अचानक ही पीछे से कहीं फरार हो गई। उस दुकान वाले ने उस लड़की को जरूर देखा होगा, उसी से पूछते हैं। राजा जरा फोटो देखो, ये लड़की यहाँ पे आई थी, सफेद रंग की टी शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई। हाँ साहब आई थी, यही कोई 12 बजे के आसपास आई थी। क्या क्या कह रही थी? उसे किसी को फोन करना था। तो फिर किया उसने किसी को फोन? जी हाँ किया था। तो तुम तो उसके पास में खड़े थे, तो तुमने सुना वो क्या बात कर रही थी फोन पे? वो साहब बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, कुछ सुना तो नहीं, पर रोते हुए बात कर रही थी वो। बात करते हुए रो रही थी वो? हाँ साहब। और क्या देखा तुमने? बस फोन किया और चली गई। हाँ जाते जाते टैक्सी और गाड़ी वगैरह के बारे में पूछ रही थी साहब। यहाँ आसपास कोई टैक्सी स्टैंड है क्या? आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो गेट के आगे ही टैक्सी स्टैंड है। थैंक यू माइक। यस सर। तुम अभी जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर बुला लूंगा। ऑलराइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तुम्हारे काजल इस नंबर के बारे में पता करो जहाँ पे उसने फोन किया था, तब तक हमें इस टैक्सी स्टैंड पे पता करते हैं। वो जो टिश्यू पेपर पर खून है उसका डीएनए, वो जो चाकू पर खून है उसका डीएनए, और जो ब्रश पे बाल मिला है उसका डीएनए, ये तीनों डीएनए अलग अलग। तुम्हारा मतलब है सारुं के ये तीनों की तीनों चीजें किसी तीन अलग अलग लोगों की है? बिल्कुल, इन तीनों डीएनए का ग्राफ अलग अलग है, ये देखो। इसका मतलब ये है बॉस कि ये जो इस टिश्यू पेपर पर खून है ये किसी लड़की का है, ये ब्रश में जो बाल मिला है ये किसी दूसरी लड़की का है, और ये चाकू पर जो खून है वो ये खून किसी आदमी का है। चाकू पर किसी आदमी का खून है, एक लड़की पर हमला हुआ है, और दूसरी लड़की जिसके बाल इस हेयर ब्रश पर है
उस बेचारी का पता भी नहीं उसका क्या हुआ। एक बात और बॉस, ये जो चाकू है इस पर जिस आदमी का खून लगा है उस आदमी के सर पे वार किया गया है। सर पे वार किया? हाँ, ये देखो हमें इस चाकू पर से उस आदमी के सर के बाल मिले। सर, इस टिश्यू पेपर पे जो खून लगा हुआ है इस पे मुझे बारूद के भी ट्रेसेस मिले। गन पाउडर। गन पाउडर मतलब उस लड़की पर गोली चली है। सरुखे एक काम करते हैं, वन्या की पिताजी को बुला लेते हैं, उनका डीएनए इस टिश्यू पर जो खून मिला है उसके डीएनए के साथ मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमला वन्या पर हुआ है या नहीं। हमारी बेटियां पिछले दो दिनों से गायब हैं और आप लोग हमें आज बता रहे हैं? हमने अपने बच्चों को आप लोगों के भरोसे छोड़ा हुआ है। यही बात हम लोग भी इनसे कह रहे थे। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वन्या और जानवी को ढूंढने की, पर इसके लिए हमें आपकी भी मदद चाहिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप लोग तो खुद सीआईडी वाले हैं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी जानवी को ढूंढ के लाइए प्लीज। और वैसे भी अब जानवी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और मैं जानवी की सौतेली माँ हूँ। आंटी आप चिंता मत कीजिए, सीआईडी वाले जानवी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप कौन है? जी मैं जानवी का चचेरा भाई हूँ और ये मेरे डैडी है। नाइस। मिस्टर ब्रजेश आप वन्या से आखिरी बार कब मिले थे? सर उससे मिले हुए तो काफी टाइम हो गया, पर फोन पे अक्सर बात हो जाया करती थी। और जानवी? सर जानवी बहुत कम फोन किया करती थी घर पे, जब कभी उसे पैसों की जरूरत होती थी बस तभी फोन करती थी। कभी कोई परेशानी या किसी से लड़ाई झगड़े के बारे में बताया था उन्होंने? जी नहीं। आप लोगों को कभी कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं सर, हमें भी कभी कुछ नहीं बताया, और उन दोनों का तो कभी किसी से झगड़ा भी नहीं होता था। जिस दिन आप लोग पंचगनी जाने वाले थे उस दिन उन दोनों से कुछ बात हुई थी? ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, मगर जब हम बस में बैठने जा रहे थे तो जानवी बोली कि तुम लोग जाकर बैठो, हम आते हैं बाद में, और उसके बाद से वो दोनों दिखाई नहीं पड़े। हाँ सर, उनके जाने से पहले हम लोग ने एक फोटो खींचा था, मेरे मोबाइल में है। तो देख सकता हूँ? जी सर। सब लोग एक ही ड्रेस में हैं? सर ये हमारा ड्रेस कोड था। I see, thank you. समझ में नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर ये दोनों लड़कियां गायब क्यों हुई? साहब टैक्सी चाहिए? साहब बोलो टैक्सी चाहिए क्या? नहीं नहीं कोई टैक्सी वैक्सी नहीं चाहिए, हमें आप लोगों से कुछ पूछना है। क्या पूछना है साहब? देखो हम लोग सीआईडी से हैं, एक लड़की के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। उसने सफेद टी शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई है, आज दोपहर को यहाँ पे आई थी। इन लोगों को फोटो दिखाओ उस लड़की की। सब देखो एक मिनट साहब, इसको तो हमने देखा है यहाँ पे। बबन तो इसी को लेके गया था ना? नहीं नहीं मैं इसको लेके नहीं गया, मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ये अचानक इतने पसीने क्यों छूट रहे? सब देख डर मत, बता दे कहाँ है ये लड़की। साहब मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो गुनाह किया उसी लड़की ने किया होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि इस लड़की ने गुनाह किया? साहब वो लड़की आई मेरी टैक्सी में बैठी और बैठने के साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसे चालू करने की कोशिश करने लगी, मगर फोन चालू नहीं हो रहा था। मैडम मैं अपना फोन दूं क्या? बहुत देर के बाद अचानक फोन चालू हो गया और उसने किसी से बात की। हेलो, तुमने ठीक कहा था, उन्होंने उसे मार दिया। वो लोग मेरे भी पीछे आएंगे, मुझे भी मार डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? सर वो लड़की जिससे भी बात कर रही थी पता नहीं उसने उससे क्या कहा, पर उसके बाद वो एकदम शांत हो गई
उसके चेहरे का डर भी कम हो गया। भैया राइट लेना। वो रास्ता सुदवाड़ी को जाता है, वहां जाकर वो उतर गई। ठीक है, हमें वो जगह दिखाओ जहां पे तुमने उस लड़की को छोड़ा था। चलो। ठीक है साहब। अभिजीत, ये जानवी और वन्या दोनों एक साथ गायब हो, लेकिन लोगों ने देखा सिर्फ जानवी को। सर, वन्या का कुछ पता ही नहीं चल रहा, न जाने कहां चली गई। देखते अगर इनका डीएनए उस टिश्यू पर मिले हुए खून के साथ मैच हो गया तो पता चल ही जाएगा कि हमला वन्या पर हुआ है। बस टिश्यू पेपर पर जो खून है वो वन्या का ही है। क्या हुआ इसे? पिज़ा सॉरी ब्रिजेश जी, मगर वो खून आपकी बेटी वन्या का ही है। ये आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती। एसीपी साहब, मेरी बेटी नहीं मर सकती। हम भी वही चाहते हैं ब्रिजेश। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए। वो कहाँ है आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। अभी आप लोग घर जाइए, लेकिन कोई भी फोन वगैरह है तो हमें फौरन इन्फॉर्म कीजिएगा। समझ में नहीं आता अभिजीत, 17 साल की लड़की की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, इस खून से जाह्नवी का सीधा सीधा संबंध है सर, मगर वो गायब है, उसे ढूंढना चाहिए सर, वही बताएगी। मगर सर, हम जाह्नवी को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे हम जाह्नवी को, ढूंढेंगे। दया, आ दया, क्या पता चला? वेरी गुड। देखो, जब तक वो जाह्नवी का पता नहीं बताता, छोड़ो मत उसे। और तुम लोग जा रहे हो उसके साथ उस जगह पर? वेरी गुड, ओके। विजित, दया को टैक्सी वाला मिला है जिसने जाह्नवी को कहीं पर छोड़ा था, वो लोग जा रहे सब उसी जगह पर। अभिजीत, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ कि वन्या का फोन जब बंद हुआ था तो उसका आखिरी लोकेशन क्या था। ये हो जड़ा है? हाँ सर, इसी जगह उतारा था मैंने उसे। आसपास कोई गांव तो है नहीं, तो ना ही कोई शहर है। तुमने से पूछा नहीं कि वो यहाँ पे क्यों उतर रही है? सर, मैं क्या पूछता, उसकी बातें सुनके तो मेरे होश उड़े हुए थे। सर, मानना पड़ेगा इस लड़की को, यहाँ तो कोई भी आने में डरेगा। आसपास छुपने की जगह ढूंढ रही होगी। सर, इस तरफ गई थी वो, मैंने साइड मिरर में देखा था, वो दौड़ के अंदर की तरफ चली गई। इस तरफ कहाँ गई होगी सर वो? शायद यहाँ पे कोई जगह होगी जहाँ पे किसी ने उसे बुलाया होगा। चलो देखते हैं। सर, सर मैं जाऊं? जब तक उस लड़की का पता नहीं चल जाता तुम हमारे साथ रहोगे। उस लड़की को आखिरी बार तुमने देखा है, चलो हमारे साथ। चलो। छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह ही है। हाँ सर। सामान को देख के लग रहा है कि कुछ चुपके से यहाँ पे गन बना रहा है। तो ये है कौन सर? कोई तो दिखाई नहीं यहाँ पे। एकदम गलत।
मैं हूँ यहाँ पर। तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं मार सकते। तुम्हारे पास जो कोई भी हथियार है नीचे फेंक दो, वरना मैं गोली मार दूंगी। सर मैंने कहा था ना, ये पूरी लड़की है, पूरी है ये, मार देगी सबको। देखो जानवी, हम लोग तुम्हें मारने नहीं आए, आप जरा प्यार से हमारी बात सुनो। पास बताना, तुम सब झूठे हो, मुझे जहाँ से मिला के मारना चाहते हो ना? देखो जानवी, निकल, हाँ सर, सर वो लड़की को तो बाद में पकड़ लो, निकल, चलो इस हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। सरवाने का फोन इस एरिया में चल रहा था, यहाँ आई थी। पर यहाँ ऐसी सुनसान जगह में क्यों आई होगी, वो भी स्कूल से 15 किलोमीटर दूर। उसके बाकी के दोस्त तो बाहर जाने वाले थे, यही बस में बैठने के बदले यहाँ पे आ गई। तो शायद किसी ने उसे यहाँ पे बुलाया होगा। पर यहाँ पर क्यों? एक काम करो, आसपास पूरा एरिया अच्छी तरीके से सर्च करो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या। सर आप रेडी? खून है सर। इधर भी है? इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है, यहीं पे हुआ है कुछ। सर चेहरा इसका घुमा, अरे ये तो वन्य है। वन्य? मर चुकी है। इतना सारा खून है और बॉडी पे कहीं घाव नहीं दिख रहा है। खुद जरा पलटू सर। गोली मारी गई इसे, पीछे से गोली मारी है, शायद गोली अभी भी अंदर है, आर पार नहीं हुई। सर शायद गोली दूर से चलाई होगी। खूनी ने शायद मारने के इरादे से इसे फोन करके बुलाया था, जैसे यहाँ पे पहुंची गोली मार दी। अगर ऐसा है तो वन्या के मोबाइल पे खूनी का नंबर जरूर होगा। देखो जरा मोबाइल है क्या? रिसीव कॉल लिस्ट में सिर्फ जानवी का नंबर है। सर पर जानवी से क्यों मारेगी, वो तो इसकी दोस्त थी। लेकिन कोई जानवी को तो मार सकता है। क्या मतलब सर? मतलब ये पूर्वी कि खूनी शायद जानवी को मारना चाहता था। जानवी और वान्या दोस्त थे, दोनों एक साथ यहाँ पे आए,
दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो जानवी के धोखे में खूनी ने वान्या को गोली मार दी। जानवी ने किसको मारा ये सिर्फ दो लोग बता सकते हैं, या तो जानवी या फिर वो आदमी जिसे जानवी ने मारा है, जो शायद इस वक्त घायल होगा। और सर वो घायल आदमी जरूर किसी अस्पताल गया होगा। तुम ठीक कह रहे विवेक, आसपास के सारे हॉस्पिटल चेक करने पड़ेंगे। जानवी और वन्या के हॉस्टल से भी पता करते हैं, शायद खूनी ने हॉस्टल के फोन पे कॉल किया हो इन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। इस निखिल की हालत कैसी है? हाँ सर ठीक है, होश में आ गया, गोली लगते ही बेहोश हो गया था सर। देख बात समझ में नहीं आ रही है दया, कि एक स्कूल में जाने वाली लड़की सीआईडी ऑफिसर पर गोली चला कैसे सकती है? सर काफी टेंशन में लग रही थी वो, उसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर, डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे गोली चलाने लगे हम। इसका मतलब है दया वो जानती थी कि तुम लोग वहाँ पर पहुंचने वाले हो? ये तो मालूम नहीं सर, पर वो हम लोगों से ऐसे पेश आ रही थी जैसे हम लोग दुश्मन हो उसके। दया जरूर कोई ना कोई तो है उसके पीछे जो उसे ये सब करवा रहा है। सर एक अच्छे घर की लड़की के पास देसी कट्टे का होना हैरानी की बात है। वही तो पता लगाना पड़ेगा, ये ऐसी गन उस लड़की के पास आई कहां से? सर उस एरिया में जाके जरा पूछताछ कर, देखो कुछ पता चलता है क्या इस गन के बारे में। सर 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 मैंने सूदवाड़ी के टोल नाके और सूदवाड़ी से पहले जो बेलापुर का टोल नाका है दोनों जगह पता कर लिया है सर। वहां से कोई भी सफेद रंग की गाड़ी नहीं गुजरी है जिसमें सफेद टी शर्ट में और ब्लू जींस में कोई लड़की हो। सर तो फिर ये लड़की जानवी जरूर सुधवाड़ी और बेलापुर के बीच में छुप कर बैठी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। अच्छा ठीक है, आसपास के लोगों से पता करो। ओके क्या हुआ सर? कमाल हो गया और क्या। मतलब पता चल गया कि जानवी ने किसे फोन किया था? जानवी ने पीसीओ से जिसे फोन किया था वो नंबर भी किसी पीसीओ का है। फ्रेडी सर मिल गए वन्या और जानवी। वन्या तो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या और जानवी? जानवी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। आप एक बात बताइए, जिस दिन ये लड़कियां यहाँ से पंचकनी के लिए गई थी हॉस्टल के फोन पे जानवी या वन्या के लिए कोई कॉल आया था क्या? वन्या के लिए तो कोई कॉल नहीं आया था, लेकिन हाँ जानवी के लिए एक कॉल आया था। आया था? हाँ। किसका किसका फोन था? शायद कोई रिश्तेदार था जानवी का। तुमने कुछ सुना कि क्या बात कर रही थी वो? ऐसा लग रहा था कि फोन करने वाला उसे कहीं बुला रहा हो। फिर क्या हुआ? फिर जानवी ने फोन रखा और वो वन्या को ढूंढने लगी। देखा, जिस आदमी ने जानवी को बुलाने के लिए फोन किया उसने हॉस्टल में कॉल किया, जानवी के मोबाइल पे फोन नहीं किया उसने। मैंने आसपास किया, हॉस्पिटल में चेक किया, वहाँ पे एक आदमी को लाया गया था, उसके सिर में चाकू मारने का घाव था, पुलिस केस, मगर जैसे ही अस्पताल वाले उसका नाम वाम देखने लगे उस आदमी के रिश्तेदारों से वहाँ से लिए गए। सीरियस? यस सर। तो आसपास के किसी हॉस्पिटल में ही गया होगा। सारे हॉस्पिटल छान मारो आसपास के। जी साहब बोलिए। हम लोग सीआईडी से, जो पास में एक जंगल है उसमें एक घर बंद पड़ा है, वहां पे किसी के लिए कुछ काम किया था तुमने? कौन सा घर? क्या हुआ, आग क्यों लग गई बदन में? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। कट्टा बनाया था? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं बनाया ना। यहाँ बनाया था या वहां जाके बनाया था? क्यों? मैंने कोई गन नहीं बनाई साहब। अच्छा गन नहीं बनाई? नहीं। इनको जरा ब्यूरो लेके चलो, वहीं पे बाकी की पूछताछ होगी।
जूते पहन लो, कपड़े वपड़े रख लो, दो तीन कपड़े रख लो, शायद दो तीन दिन रुकना पड़ सकता है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, उसने मुझे पैसों का लालच दिया था। किसने दिया था पैसों का लालच? आगे से ऐसा नहीं करूंगा साहब। किसने दिया था पैसों का लालच? नाम नहीं मालूम साहब। नाम नहीं जानता, आदमी को नहीं जानता, और उसके लिए गन बनाई तूने? सूदवाड़ी से बेलापुर के बीच में हर जगह तो छान मारा, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को देखा ही नहीं है। मगर वो लड़की है तो यहीं कहीं पे, कोई अच्छी जगह मिल गई होगी छुपने के लिए। किसी ऐसी जगह पे छुपी होगी जहाँ पे कोई आसानी से उस तक पहुँच नहीं सकता। लोगों से पूछा? नहीं सर, अभी तक नहीं। देखते हैं क्या मालूम। भाई साहब फोटो देखो, इस लड़की को पहचानते? 16-17 साल की लड़की है। आप पुलिस वाले हो क्या? जी हाँ, CID से। ये सफेद गाड़ी में थी क्या? हाँ, तुमने देखा इसे? हाँ साहब। कहाँ पे देखा? इस रास्ते पे सीधा चले जाओ, आगे घर पड़ेगा। मैंने इसको वहीं पे देखा है साहब। ये कब की बात है, किस वक्त? ये 2 दिन पहले की बात है। लड़की अकेली थी या कोई साथ में था उसके? साथ में ड्राइवर भी था, मगर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, शायद वो अभी भी वहीं पे हो। शायद वो लड़की अकेली ना हो, उसके साथ कोई और भी हो। संभाल के। चाय के कप सर, वहां तो कोई भी नहीं है, निकल के रहते। सिहाइफा जगह से खाना मंगाया लगता। जिस होटल से खाना मंगाया गया है शायद वहां से कुछ पता चल जाए। अच्छा, अब तो पता चल ही जाएगा, कंप्यूटराइज्ड बिल है, कार्ड से पेमेंट किया गया है, अब तो नाम और पता दोनों ही पता चल जाएगा। ब्रिजेश भाई संभालिए अपने आप को। ऑफिसर, मेरी बेटी की हत्या का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? आपके साथ ही है वो। मेरे साथ? मगर कौन ऑफिसर? चेतन। चेतन? जी हाँ, आपका PA चेतन। उसने खून किया या नहीं अभी हमें पता नहीं है, लेकिन खून कराने में उसका हाथ है। चेतन मेरी बेटी का खून क्यों करेगा? वो कहां से बीच में आ गया? मिस्टर ब्रिजेश, आपका PA एक अपराधी है, पैसे लेके खून करने के कई केसेस चल रहे हैं उसके खिलाफ। और जानवी ने जिस गन से CID ऑफिसर पे गोली चलाई थी वो गन बनाने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद पूछ लेना, चेतन इस वक्त है कहाँ? वो तो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? फिर से वो छुट्टी लेकर खंडाला गया है, उसने कहा था उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती किया। उसका भाई हॉस्पिटल में? जी ऑफिस। किस हॉस्पिटल में? रेड लाइन हॉस्पिटल। चेतन ने वहीं पैसे मंगवाए थे, इसीलिए मुझे उसका नाम याद है। रेड लाइन हॉस्पिटल। चेतन जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हम तो आपके भाई का हालचाल लेने आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पे पीछे से चाकू लगा है ना? कैसे? शायद जानवी ने चाकू मारा है सर। हाँ है ना चेतन?
क्यों मारा वन्या को? मेरे भाई को जानवी को मारने के पैसे मिले थे, मगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। मैंने उसे हॉस्टल में फोन करके बताया, उसकी सौतेली माँ शलाका उसे जान से मारना चाहती है, अगर वो चाहे तो हम उसे बचा सकते हैं, इसलिए हमने उसे क्लिफ पर आने को कहा। भाई जानवी आ गई। रुक दे। उड़ा दिया। नहीं विक्रम, उसको पास से देख क्या, अगर उसका काम तमाम नहीं हुआ है तो एक और डाल दे। जा अरे ये तो जानवी नहीं है। वो जानवी नहीं थी, जानवी की दोस्त वन्या थी। तभी वहां जानवी पीछे से आई पर मेरे भाई के सिर पर चाकू से हमला कर दिया। विक्रम! वान्या! वान्या! ये सब देख के मैं भी डर गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। विक्रम! मेरी चीख सुन के जानवी वहां से भाग गई। वान्या, I'm sorry, वान्या! वान्या, I'm sorry! विक्रम! 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 जानवी ने पीछे से आकर मेरे भाई के सिर में चाकू से हमला कर दिया, किसकी वजह से आज उसकी हालत है। फिर मैंने वहां जाकर वन्या की लाश को नीचे फेंक दिया। जानवी को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? मुझे नहीं पता कौन है वो, मगर फोन पर वो ऑर्डर देता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तुझे ये तो मालूम होगा ना जानवी इस वक्त कहाँ है, है? टेबल नंबर 5 पे। हाँ अटेंड करो। एक्सक्यूज मी या हम लोग सीआईडी से, इस आदमी ने आपके यहाँ से खाना लेकर गया और शायद पेमेंट कार्ड से किया गया, हमें इस आदमी का नाम और पता चाहिए, जरा काउंटर पर देख के बता सकते हैं? एक मिनट सर। ये लीजिए। हेलो, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में फोन कीजिए प्लीज। थैंक यू। वेलकम सर। तो ये है। अजीब आदमी है, फिर से मुझे यहीं पे भेज दिया। यहाँ पे तो पहले भी खूनी ने मुझ पे हमला किया था। मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई मुझे मारने आ रहा है। अपने दिल से डर को निकाल दो। ये डर तभी निकलेगा जब खूनी पकड़ा जाएगा। चलो पुलिस के पास जाते और उन्हें सब बता देते हैं। पुलिस के पास भी चले जाए, पहले तुम्हारा डर तो खत्म कर दूं। क्या मतलब? मतलब ये, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो डर का क्या मतलब? तुम मुझे मारना चाहते थे? हाँ। सिद्धेश तुम? सीआईडी? हाँ सीआईडी। अरे क्यों मौत के मुंह में आ गया तुम लोग? तू हमको मौत के मुंह तक पहुंचाएगा? इतनी जोर से पिटाई की, हमें सीटी बज गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे लगा मेरा भाई मुझे बचाना चाहता है। आई नहीं है, भेड़िया है, भेड़िया। इसने तुम्हें जान से मारने के लिए सुपारी दी थी, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, मगर वो बेचारी
वन्या मारी गई। बोल क्यों मारना चाहता था जानवी की? जायदाद के लिए। अंकल के मरने के बाद सारी जायदाद इसे मिलने वाली थी, वो जायदाद मुझे चाहिए थी, मुझे। प्लान अच्छा बना, जानवी को मार के सारा शक शलाका पे डाल। हाँ। लेकिन जिस खूनी को तूने जानवी को मारने के लिए भेजा था उसने गलती से वन्या को मार दिया। हाँ। उस दिन इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे इसलिए वो उसे पहचान नहीं सका। मगर तुम्हारी जगह पे वन्या कहाँ से आ गई? मां इन लोगों ने मुझे हॉस्टल में फोन किया था, कहा कि मेरी माँ मुझे मारना चाहती। मैं डर गई और क्लिफ पे चली गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो वान्या ने मुझसे कहा कि मैं रुक जाऊं और वो चली जाए, और फिर वान्या को। दुनिया में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, हाँ? मगर तुमने इस रिश्ते को बदनाम कर दिया सिर्फ जायदाद के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसना, अगर तुझे फांसी नहीं हुई तो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.